डिसेबिलिटी एक ऐसा शब्द जो सुनकर ही आपको लाचार सा महसूस कराता है, लेकिन शरीर की एक अयोग्यता दरअसल कई गुणों को लेकर आता है। हर साल 3 दिसंबर को ऐसे ही शख्सियतों का दिन माना जाता है जो शरीर से विकलांग जरूर हैं, मगर अपने जज्बे और उम्मीदों में किसी चट्टान से कम नहीं। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का लक्ष्य है शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की तरफ दुनिया की नज़र को बदलना। इस दिन को मनाने का एक खास लक्ष्य रखा गया ताकि समाज के लोग ऐसे लोगों के प्रति अपना स्वभाव बदले, उन्हें दया की नज़र से नहीं बल्कि उन्हें सर उठाकर जीने का हौसला दे। 1992 से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाने की शुरुआत हुई, हालांकि इसकी घोषणा राष्ट्रीय तौर पर 1981 में हुई थी। साल 2007 तक इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्संस कहा जाता रहा। इस खास दिन यूएन कई कार्यक्रम आयोजित करता आया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने साल 2030 तक के लिए दिव्यांगों के लिए अलग एजेंडा तैयार किया, जिसमें ये कोशिश की जाएगी कि आम लोगों की इस भागती हुई जिंदगी में इनकी रफ्तार कम न हो। कैसे हुई हैंडीकैप शब्द की शुरुआत? ये शब्द इंग्लैंड में 15वीं और 16वीं शताब्दी में पुराने वीरों की वजह से चलन में आया था। दरअसल युद्ध के बाद शारीरिक अक्षमता के कारण ऐसे योद्धा अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे, तब ये भीख मांगने के लिए हाथ में कैप लेकर चलते। इस बात को उस वक्त के राजा हेनरी 7 ने लीगल किया, क्योंकि कोई भी घायल योद्धा नौकरी करने की हालत में नहीं था। 1980 के दौर में अमेरिका की डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने विकलांगों के लिए हैंडीकैप की जगह डिफरेंटली एबल्ड शब्द को प्रयोग करने पर जोर दिया। लगभग 20वीं शताब्दी के अंत में इस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जगह दी गई। साल 2015 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में विकलांगों को दिव्यांग कहकर पुकारा, और उनके सुझाव के बाद ही दिव्यांग शब्द को प्रयोग किया जाने लगा। साल 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 2.68 करोड़ आबादी दिव्यांग है, जिनमें लगभग 1.5 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। Infotainment Desk, StoryHowHindi.com